जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम विंग कमांडर कृष्णमूर्ति फ्रॉम SSB गाइड डिफेंस एकेडमी हियर एट जनकपुरी दिल्ली। एंड बच्चों, टुडे आई एम कमिंग विद अ वेरी वेरी गुड न्यूज टू यू दैट हमारा पास जो DIPR असेसर्स, ट्रेनर्स एंड कोच हैं फॉर SSB जो सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के लिए आप लोग का भी आने वाले हैं आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द NDA एंड CDS रिटन एग्जामिनेशन। तो बच्चों, हमारे टीम में अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड DIPR साइकोलॉजिस्ट जो अभी रिसेंटली FO सिलेक्शन बोर्ड से रिटायर हुए हैं। दिस ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, इज नाउ गोइंग टू ज्वाइन आवर टीम ऑफ हाईली ट्रेन्ड मोटिवेटेड असेसर्स टू हेल्प यू इन क्लियरिंग द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो लेट मी वेलकम ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार सिंगल। थैंक यू सर। ग्रुप कैप्टन सिंगल हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम नंबर 4 FO सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी एंड ही इज ज्वाइनिंग आवर टीम हियर। इज एन एक्सट्रीमली क्वालिफाइड असेसर साइकोलॉजिस्ट जो बच्चों आप लोगों को मदद करेंगे विद द न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन द साइकोलॉजिस्ट फील्ड एंड हाउ टू क्लियर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जब आप लोग अभी आके SSB गाइड अकेडमी में ज्वाइन करेंगे। सो ओवर टू यू सर, ग्रुप कैप्टन सिंगल। थैंक यू सर। जय हिंद बच्चो, आई एम ग्रुप कैप्टन मनोज कुमार सिंगल एंड रिसेंटली आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स आफ्टर सर्विंग फॉर लॉन्ग 30 years to be precise, 30 years, 2 months and a few days. I have flown 3,600 hours on aircraft AN-32 and Avro. I am sure you would have heard about these two aircraft. And I have done a tenure in Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad as a training instructor. Bachcho, mera abhi jo last tenure tha, wo jaise abhi sir ne bataya, कि 4 एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड से मैं अभी रिटायर हुआ हूँ एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट। ये मेरा बनारस में सेकंड टेन्योर था। इससे पहले मेरा फर्स्ट टेन्योर भी बहुत लंबा टेन्योर था, कोई अराउंड 5 इयर्स का टेन्योर था, फ्रॉम 2008 टू 2013। बच्चों, मैंने अपने दो टेन्योर्स में कोई 12,000 के आसपास फेज़ 1 असेसमेंट किए हैं और फेज़ 2 में कोई 3,500 के आसपास कैंडिडेट्स के मैंने डोजियर असेसमेंट किया है। और आई एम DIPR ट्रेंड असेसर, आई एम DIPR ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट। नाउ बच्चों, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोग इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स बनने के लिए आतुर और तत्पर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए आपको SSB क्लियर करना होता है। एंड SSB मैं जो चेक होता है, दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। उस पर्सनैलिटी टेस्ट में हम लोग एवरेज कैंडिडेट्स में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ देखते हैं। बच्चों, दो टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, जो एक एवरेज होते हैं, ऑर्डनरी होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। एवरेज और ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैंडिडेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन between the ordinary and the extraordinary candidates. I'll just give you one example. जो ordinary होता है वो कैसे काम करता है, जैसे हम देखते हैं, one to the power अगर आप 10 लगाते हैं तो वो 1 ही रहता है। लेकिन अगर आप 1.1 to the power 10 लगाते हैं तो वो 2.59 बन जाता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं इस एग्जाम्पल से, अगर आपने सिर्फ 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया तो 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से आप एवरेज से, ऑर्डनरी से 2.59 ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बन जाते हैं। इस ट्रेनिंग एकेडमी में, इस SSB गाइड डिफेंस एकेडमी दिल्ली कोचिंग सेंटर में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने। आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। 14 सितंबर से बहुत जल्दी कोचिंग यहाँ शुरू होने वाले हैं, बैचेस शुरू होने वाला है और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।
इसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, और आप जल्दी से यहाँ आप आइए और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मेरा सिलेक्शन बोर्ड में जो 7.5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके बहुत काम आने वाला है, और आपको जो भी SSB क्लियर करने में जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट, एंड आई वॉन्ट टू अश्योर यू कि वंस यू कम एंड जॉइन दिस SSB गाइड डिफेंस अकेडमी दिल्ली सेंटर, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द असेसर्स आर DIPR trained assessors over here. So thank you very much. Looking forward for your registration and looking forward to see you on 14th of September. Thank you. Jai Hind Bachcho. God bless you. Thank you, Group Captain Singhal sir. तो बच्चों आपको सुनने से खुश होगा कि Group Captain Singhal sir is now joining us for our next upcoming batch from 14th of September. तो बच्चों आपको ये मैं बता देता हूँ कि वॉट आर द अदर बैचेस विच आर देयर विच आर नाउ गोइंग टू कम हैंस फोर्थ. बच्चों आपका आप लोगों को खुश होगा कि हमारे जो नेक्स्ट SSB बैच का रजिस्ट्रेशन है वो 7th of this month से 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. एंड बच्चों ये जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, और जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 2000 रुपीज देना पड़ेगा एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड फॉर आर बैच. द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th September एंड ये बैच होगा 14th September से जाके 30th September तक. This batch will be there for total 14 days and ये जो cost of the training है for SSB training है this is 16,500 rupees and जब आप initial registration करेंगे 2000 का तो you will have to bring only 14,500 for the SSB batch. And बच्चों ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो next batch होगा वो होगा 30th September से 16th अक्टूबर तक. 16 अक्टूबर तक हमारा सेकेंड बैच होगा. थर्ड बैच होगा 17th अक्टूबर से 3rd नवंबर तक होगा एंड हमारा फोर्थ बैच होगा 4th नवंबर से 20th नवंबर तक होगा. तो बच्चों इसके बाद भी काफ़ी सारे बैचेस होंगे, बट ये जो 4 बैचेस हैं आपको ये बताना चाहता हूँ सो दैट यू कैन प्लान फॉर योर SSB कोचिंग. रिमेंबर बच्चों डोंट वेट फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, डोंट वेट. आप अगर जब आपके पास आंसर कीज ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है यू चेक द आंसर कीज टू सी वेदर यू आर ऑलरेडी मेकिंग द मार्क दैट इज पासिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन. And when you find that you are passing in the written examination, don't wait, because SSB mein kya hai? Not only you are supposed to plan, but after the coaching also, you are supposed to prepare on your own. Sirf coaching sufficient nahi hoga bachon. Aapko another 2 weeks lagna chahiye to prepare on your own. Prepare karne ke baad hi, you will be ready for going to the SSBs. So require nearly 1 month, 30 days for SSB. Coaching also and preparation, self-preparation also. Tab jaake you will all be able to make the mark for the SSBs. So remember bachchon, jitna aapne mehnat kiya in the written examination, utna hi mehnat required hai for the services selection board. Tab jaake you will be confident and cracking the SSB. So bachchon, maine aapko bata diya, the next 4 batches for the SSB, also maine bata diya ki registration is starting from 7th. And also I've told you that in the description box, the link for the registration is there. Usme jaake aap jab click karenge, to you will be taken to the place where you can, all these 4 batches will be there. And you can choose whichever batch you want. So, deri mat kariye bachcho, you already know now that we have got the best and the best of the best assessors, not only in psychologists, but in the GT also and in the interview also. And hum yahan pe aapko
टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ टू क्रैक द SSB, ये हम आपको बताते हैं. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड वी विल कम फॉर विथ मोर अपडेटेड न्यूज इन द कमिंग डेज. थैंक यू वेरी मच बच्चों.